हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के 2010 से लेकर 2016 के क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन है ये हम फिलहाल हम यही सोचकर बैठे हैं कि टोटल जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो या तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, या फिर हो सकता है अगर बीच में हमें ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और इस तरह की कंडीशन आएगी तो हो सकता है हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो फिलहाल तो हम यही सोच रहे हैं कि हम इनको एक ही पार्ट में सॉल्व कर देंगे। और साथ में अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, जो हमारी वेबसाइट है करियर स्टडी डिफेंस डॉट वीबली डॉट कॉम के थ्रू हमने ये बनाई है। तो इस पर आप जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी आपको पेज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है वो डायरेक्टली आपको वहीं ले जाएंगे जहां पर वो जो आपको पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी डायरेक्टली जाकर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी भी आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए उस वेबसाइट में आपको टोटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। इससे पहले वाली जो वीडियोज हैं उनमें वही हमने अपलोड किया था। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के इज एक्स प्लस वन अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि के की किस वैल्यू के लिए, एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर होगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं आपके पास। ये क्वेश्चन हर बार डेफिनेट होता है इस तरह का क्वेश्चन आना। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, इसको हम बोलते हैं पी ऑफ एक्स, और इसको हम बोलते हैं जिसे हमने भाग करना है उसको हम बोलते हैं जी ऑफ एक्स। देखिए, आपने इस तरह के फैक्टर कभी भी आपने चेक करना है कि है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, जी ऑफ एक्स को आप पुट करते हो जीरो। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वन को पुट करोगे जीरो, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब ये माइनस वन वैल्यू जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो अगर ये फैक्टर है तब तो ये बनेगा जीरो, अगर ये फैक्टर नहीं है तब ये जीरो नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, आपने याद रखना है कि अगर जी ऑफ एक्स को जीरो पुट करते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू को जीरो पुट करते हैं, तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पुट करके देखिए, अगर पुट करने से वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तब वो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं होता है तब वो फैक्टर नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं, फिलहाल कंडीशन क्या है कि हमने बताना है कि वो फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, हमने ये शो करना है, तो क्या करेंगे हम, माइनस वन वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो फैक्टर बन रहा है तो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो पुट कर लेते हैं एक्स क्यूब यानी कि माइनस वन का क्यूब प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लिया हमने, क्योंकि फैक्टर है वो, ये हमने शो करना है। तो माइनस वन का क्यूब जब भी पावर ऑड होती है तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, यानी कि माइनस वन प्लस के इंटू माइनस वन का स्क्वेयर, क्योंकि इवन पावर है तो वन बन जाएगा, तो के इंटू वन के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन से प्लस वन कट हो गया तो के कितना आ जाएगा, प्लस टू है, उस तरफ जाकर ये माइनस टू बन जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस टू। तो डी आंसर आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ 61 अपॉन 19 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर, देन जेड इज इक्वल टू। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं पहले तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट में कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लेंगे आपका ये, और इसमें आपको लास्ट में भी फिर अजम्पशन ही करना होता है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है इनके लिए, तो एज्यूम करना है, बहुत ज्यादा टाइम लेंगे आपका ये। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस आपके पास, तो इन क्वेश्चन को लास्ट में कीजिए। फिलहाल हमें ये सॉल्व करना है, किस तरह से देखेंगे, 61 अपॉन 19 है, 3 को उस तरफ लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक स्टेप जो है वो मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पे, क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन करने से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो 3 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 61 अपॉन 19 माइनस 3, प्लस का 3 इस तरफ आकर माइनस 3 बन जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं सॉल्व करूंगा ये बनेगा 19 इंटू 3 57, तो 61 माइनस 57 4 अपॉन 19, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये बनेगा 4 अपॉन 19 इज इक्वल टू। देखिए, इस टाइप जो ये वाला है इसको कैसे सॉल्व करना होता है, पहले सबसे नीचे वाले को आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे, जेड आएगा एलसीएम और ये बन जाएगा वाई जेड प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड। इस वाले स्टेप को मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैंने एलसीएम लिया। अब हमेशा याद रखना है कि जो थर्ड नंबर पर है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अब, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई जेड प्लस 1,
फिर से सेम कंडीशन है, एलसीएम लेंगे और वाई जेड प्लस वन को ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा वाई जेड प्लस वन अपॉन, और नीचे वाली टर्म क्या आएगी, वाई जेड, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने कॉपी पेन लिया हुआ है साथ में, आप वीडियो को पॉज कीजिए, जहां पर भी मैं कैलकुलेशन का स्टेप स्किप कर रहा हूँ आप करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं वही चीज छोड़ूंगा यहाँ पर जो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन वो हमारी वीडियो को ज्यादा लंबा ले जाएंगे अगर हम उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास आ गया 4/19 इज इक्वल टू वाई जेड प्लस वन अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बीच वाले स्टेप यहाँ से छोड़ दीजिए, मैंने फाइनल स्टेप ये निकाल लिया हुआ है, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, वाई जेड प्लस वन की हो जाएगी 19 के साथ। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ जो हमारा ये एक्स वाई जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 into एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 19 into वाई जेड प्लस वन। अब वैल्यू आपने निकालनी है जेड की, तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो जेड वालों को एक तरफ करना है, बाकी सभी को आप दूसरी तरफ कर लीजिए। देखिए यहां से यहां पर एक्स वाई जेड था और प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड, यानी कि ये जेड जो है वो इकट्ठा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 4xyz और प्लस 4z और ये बन जाएगा माइनस 19yz इज इक्वल टू 19 माइनस 4x। ये 4 into x जो बनेगा, 4 into x, उसको मैं उस तरफ ले गया माइनस का 4x। तो यहां से z कॉमन ले लेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, z अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 19 माइनस 4x अपॉन, जो भी बचेगा यहां से वो अपॉन में ही जाएगा, तो 4xy, ठीक है 4xy, और यहां से बनेगा क्योंकि ये था वाई जेड, सॉरी यहां पर था आपके पास 4z है, तो 4z जो है ये क्या बनेगा आपके पास, z क्योंकि कॉमन ले लिया हुआ है तो 4 ही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास प्लस 4 और माइनस का 19y, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये टर्म आ जाएगी। अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। अब देखिए जेड की वैल्यू निकालनी है, चलिए जेड कैसे आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था लास्ट में रखिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजम्पशन की जरूरत है यहां पर। अब उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि एक्स एंड वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन है ये नहीं हमें दिया हुआ, और फिर वो बोल रहा है कि z भी एक नेचुरल नंबर है, z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, नेचुरल नंबर का मतलब है 1, 2, 3, 4 इस तरह से आनी चाहिए। देखिए आपको x, y जो है वो अज्यूम करने हैं, यहां पर आप x और y की कोई भी वैल्यू अज्यूम करके देख लीजिए, अगर आप कितनी भी आप वैल्यूज जो है यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊंगा सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू जो डायरेक्टली आंसर देंगी, क्योंकि आप कोई और वैल्यू अगर अज्यूम करते हो तो या तो ये नेगेटिव आ जाएगी नीचे वाली टर्म, तो अगर नीचे वाली टर्म नेगेटिव आ गई तब भी हमारा जो है बेनिफिट नहीं है, हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अजम्पशन पर है, लास्ट में इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ऊपर से ये कैलकुलेशन आई, फिर से अजम्पशन करनी पड़ेगी, तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज बता देता हूं। अगर आप एक्स को पुट करते हो 4, वाई को पुट करते हो 1, तो ये क्या बन जाएगा 19 माइनस 4 into 4 16 अपॉन, ये बन जाएगा आपका 4 into 4 16 16 प्लस 4 माइनस 19, तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 3/1, दैट इज इक्वल टू 3, यही एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे जेड आप लिख सकते हो कि जेड की वैल्यू कितनी होगी 3, और एक 3 जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू एस, देन द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है आपने। चलिए डायरेक्टली आते हैं इस पे, सबसे पहले कंडीशन दी हुई है आपको s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू एस। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, ठीक है, तो s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, s प्लस एस प्लस एस, एस प्लस एस प्लस एस क्या बनेगा 3s, और माइनस अगर मैं कॉमन लू तो अंदर रहेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस। अब इस s को मैं उस तरफ ले जाता हूं, a प्लस बी को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो ये बनेगा 3s माइनस s, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये तो मैंने इक्वेशन वन मान ली वैसे ही, क्योंकि जो मुझे कंडीशन दी हुई है वहां से मैंने s की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2b आ जाएगी। चलिए फिलहाल हम आते हैं कंडीशन पर कि जो हमें दिया हुआ है, एस माइनस ए का स्केयर क्या बनेगा, ए माइनस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो एस माइनस ए का स्केयर क्या बनेगा,
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एस ए, उसी तरह से प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एस बी, और प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू एस सी प्लस एस स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा फोर एस स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, यहां से हमने निकाला है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ये वाली इक्वेशन देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी है 2s, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा, एस का स्क्वायर कर देंगे तो फोर एस स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर एस का, या फिर डायरेक्टली जो है, चलिए पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये टर्म भी हो गई सी स्क्वायर वाली हो गई, बी स्क्वायर वाली हो गई, ए स्क्वायर होगी, माइनस का टू एस ए माइनस का टू एस बी माइनस का टू एस सी, तो यहां पर माइनस का टू एस जो है वो कॉमन है, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए यहां वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, अपॉन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है टू एस के, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2s इंटू टू एस, तो 2s इंटू टू एस फोर एस स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2s इंटू टू एस, ए प्लस बी प्लस सी यहां पर हमने वैल्यू निकाली हुई है इक्वेशन वन में 2s के बराबर है, तो 2s इंटू टू एस फोर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर एस स्क्वायर से फोर एस स्क्वायर कट हो जाएगा, रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कट हो गया, आंसर कितना आ गया वन, बी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन काफी क्वेश्चन इसमें बहुत इजी होते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, हमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें से जो आपको लगता है इजिली कर सकते हो, बिकॉज 100 तो हमें स्कोर करना ही नहीं है मैथ में, हमें स्कोर करना है 70 प्लस, ठीक है। 70 से अप अगर हम चले जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमारा स्कोर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तक हमसे पूरे क्वेश्चन होते भी नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन हमारा मैथ का होता है, थर्ड पेपर जो होता है। लेकिन अगर हम 90 प्लस की तैयारी लेकर चलेंगे तभी हम 70 प्लस जो है इजिली स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट पी एंड क्यू बी नॉन जीरो इंटीग्रल्स इंटीजर्स, कंसीडर द पॉलीनोमियल ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, साथ साथ में लेकर चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये इक्वेशन है। इट इज गिवन दैट एक्स माइनस एम एंड एक्स माइनस के एम आर सिंपल फैक्टर्स, देखिए x माइनस एम और x माइनस के एम जो है वो फैक्टर हैं, ठीक है, इनको भी हम मान लेते हैं कि चलिए फैक्टर हैं ये, सिंपल फैक्टर्स ऑफ a ऑफ x वेयर m इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m और k जो है वो इंटीजर है, नॉन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, चलिए कुछ भी है ये, और k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, चलिए ये भी हम मान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर हमने कंडीशन बतानी है यहाँ पे, चलिए अगर जो ये फैक्टर है x माइनस एम और x माइनस के एम जो है वो फैक्टर हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि रूट्स क्या आएंगे, x माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आएगा m और x कितना आएगा के एम, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू होती है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, सम ऑफ जो रूट होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, सम बनेगा एम प्लस के एम, आपको पता है सम ऑफ रूट्स जो रहता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अगर आपने वो चीज पढ़ी होगी टेंथ में आपके पास ये क्वेश्चन रहता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां पर बी और ए कहां से आते हैं, ये जो एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है, तो ए बी और सी आपको यहां से मिलते हैं, तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है पी और सी की वैल्यू कितनी है क्यू, तो सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है एम और के एम, तो ऐड करेंगे एम प्लस के एम इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना आएगा माइनस का पी, तो
इसका मतलब है m कॉमन है, 1 प्लस के कितना आ जाएगा, 1 प्लस के बन जाएगा आपके पास माइनस का p। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो रहता है आपका वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा इनका m इंटू के एम इज इक्वल टू सी, कितना है सी है आपका क्यू, ए है 1, तो k अपॉन 1 k ही रहेगा। इसका मतलब है एम स्क्र के इज इक्वल टू क्यू। तो दो इक्वेशन ये आपकी बन गई। चलिए यहां से देखते हैं आपके पास क्या बनेगा। फिलहाल हमें एक कंडीशन निकालनी है, इस तरह की कोई भी कंडीशन, तो वो देखते हैं हमारे पास कैसे आएगी। यहां से अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें, एम स्क्र के इज इक्वल टू क्यू और एम वन प्लस के इज इक्वल टू माइनस का पी, तो यहां पे हम पुट करके देखते हैं। तो ये जो आपके पास एम स्केयर है, एम की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं, एम क्या बन जाएगा, माइनस का पी अपॉन वन प्लस के। एम स्केयर क्या बनेगा, माइनस का, माइनस पी का स्केयर प्लस पी स्केयर बनेगा अपॉन वन प्लस के का स्केयर इंटू के इज इक्वल टू क्यू। तो दैट इंप्लाई पी स्केयर के इज इक्वल टू क्यू इंटू वन प्लस के का स्केयर। तो आपके पास यहां से देख लेते हैं कि कोई आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, पी स्केयर के इज इक्वल टू क्यू इंटू वन प्लस के का स्केयर। तो ये वाली इक्वेशन बन रही है, बी ऑप्शन जो है वो इजिली बन रहा है, पी स्केयर के इज इक्वल टू वन प्लस के का स्केयर इंटू क्यू। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लीनियर फैक्टर ऑफ ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस वन एक्स प्लस ए आर पी एंड क्यू, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू। देखिए लीनियर फैक्टर आपको दिए हुए हैं, आपने p प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। चलिए निकाल के देख लेते हैं, आपके पास है ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x से भी और माइनस से भी, माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में, x को अंदर रह जाएगा आपके पास, अगर मैं x को कॉमन लूंगा तो अंदर रह जाएगा आपके पास, a भी कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x माइनस ए। ठीक है, और x माइनस ए वहां रह जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास माइनस का वन। तो ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स माइनस वन और x माइनस ए। अब फिलहाल आपसे जो पूछा, ये तो आपने निकाल दिए इनके फैक्टर्स, ठीक है, और आपको कहा है कि फैक्टर जो है अगर p और q है तो p प्लस q के इतना आएगा, यानी कि अगर जो फैक्टर है वो ये है तो इनको ऐड करके कितना आएगा। तो देख लेते हैं, ए एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस ए, ए एक्स और a में कॉमन क्या है, a अंदर रह जाएगा x माइनस वन, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें सिर्फ वन कॉमन है, अंदर रह जाएगा x प्लस या x माइनस वन, प्लस का वन रह जाएगा। इसका मतलब है x माइनस वन और a प्लस वन, ये आपके पास दो ऐड करके आ जाएंगे इनको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, आपसे पूछा था कि अगर इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे p और q तो p प्लस q कितना आएगा। आपने क्या किया, आपने यहां पर इनके फैक्टर बनाकर देखे, फैक्टर बन गए ax माइनस वन और x माइनस ए। अब वहां से ये जो फैक्टर बने, उन्होंने पूछा कि p प्लस q यानी कि फैक्टर का सम कितना आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ax माइनस वन प्लस x माइनस ए, इन दोनों में a कॉमन है तो a इंटू एक्स माइनस वन, और इन दोनों में क्या है सिर्फ वन कॉमन है, x माइनस वन अंदर रह जाएगा। तो ये आपके फैक्टर आ गए x माइनस वन a प्लस वन, तो a ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है। आपको दिया हुआ है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, या फिर x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस वन फैक्टर है या फिर x माइनस टू फैक्टर है। देखिए करना क्या है, आपने फर्स्ट के लिए क्या करना है, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आएगा माइनस टू, माइनस टू पुट करके देखिए, अगर ये जीरो बनता है तो ये फैक्टर है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो बनता है तो ये फैक्टर नहीं है। यहां पर भी x इज इक्वल टू माइनस टू ही पुट करना है, बी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में पुट करना है आपने x इज इक्वल टू टू, क्योंकि माइनस टू है तो उस तरफ जाकर प्लस टू बनेगा, तो टू पुट करके देखेंगे, अगर जीरो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नहीं ठीक है, और डी ऑप्शन में भी टू ही पुट करना है, माइनस टू है उस तरफ जाकर प्लस टू बनेगा।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू टू पुट करेंगे जब, क्योंकि एक्स माइनस टू है, एक्स कितना आ जाएगा टू, पुट करते हैं इस इक्वेशन में सी वाले में, ठीक है, सी वाले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स फोर यानी कि टू रेस्ट पावर फोर माइनस सिक्स इंटू एक्स क्यूब टू रेस्ट पावर थ्री प्लस 12 इंटू एक्स स्केयर यानी कि टू का स्केयर माइनस 24 इंटू टू प्लस 32 टू रेस टू पावर फोर, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 48 प्लस 48 माइनस ये बन जाएगा 48 प्लस 32, इससे ये कट हो गया 32 प्लस 16 48 माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये एक फैक्टर है, बाकी नहीं बनेंगे तो बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना कि बाकी बनते हैं या नहीं बनते हैं। इसके बाद आपके पास ये वाला क्वेश्चन 37 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2 प्लस समथिंग दे रखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे 37 अपॉन 13 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वही इक्वेशन बनेगी आपके पास 2 प्लस, जैसे पहले सॉल्व कर रखा है हमने इसको, ये बन जाएगा आपके पास जो लास्ट टाइम हमारे पास बना था, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली yz plus 1 अपॉन xyz plus x plus z, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। देखिए 37 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट 3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, यही बनेगा, बहुत पास बनेगा 3 के, क्योंकि 39 से 2 ही कम है 37, तो इसको हम बोल सकते हैं कि नियर अबाउट 2.8 या 9 बन जाएगा, ये इजिली बनेगा इतना। तो हमें जो है इसमें 2 में कुछ ऐड करना है ताकि 2 पॉइंट जो है हमें क्या मिले 2.8 या 2.9 के आसपास हमें मिल जाए। देखते हैं यहाँ पे, ट्राई करके देखते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए वाई जेड प्लस 1 है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड, अगर वाई को मैं 1 पुट करता हूँ जेड को 2, तो 1 इंटू टू 2, 2 प्लस 1 3, ऊपर बनेगा 3 और नीचे क्या बनेगा 1 इंटू टू 2, एक्स को अब क्योंकि 1 और 2 तो पुट कर दिया तो 3 पुट करना पड़ेगा, 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, देखिए 1 बाय 3 आएगा, 1 बाय 3 होता है 0.33, तो ये 2.33 बनेगा ना कि 2.8 के आसपास बनेगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपको ऐसा आंसर मिलेगा ही नहीं कि ये 3 के आसपास हो, तो ये जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि डाटा जो है वो इनसफिशियंट है, इनमें से या तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता होती तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वो क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि वहां पर नियर अबाउट जो है वो वैल्यू जो थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, उसमें सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू अगर हम ऐड करते वहां पे था हमारे पास 37 सॉरी वहां पे जो लास्ट टाइम था हमारे पास वो था 61 अपॉन 19, ठीक है, ये था इज इक्वल टू 3, और 3 में कुछ ना कुछ हमें ऐड करना था, 3 प्लस समथिंग था, तो ये अगर हम देखते तो 19 से 3 पॉइंट समथिंग ही आ रहा था, पहले से ये 3 के आसपास था, 3 से थोड़ा ही ज्यादा था, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा इससे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, नियर अबाउट 1 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये 3 के आसपास बनेगा, ये 2 था, जबकि यहाँ 3 के आसपास ही बनना था और 3 ही था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डाटा जो है वो इनसफिशियंट है, हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नहीं आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स माइनस फाइव अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन आपको पता है बार बार रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा, पुट करके देखेंगे यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 का स्केयर प्लस के इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि फैक्टर हमने शो करना है, तो 5 क्यूब ये बन जाएगा 125 माइनस 75 प्लस 5 के माइनस 10, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजिली आपके पास ये आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इनको सॉल्व करके ये 40 बन जाएगा, 5k इज इक्वल टू 40 दैट इम्प्लाई k इज इक्वल टू 8, माइनस का 40 बनेगा ये क्योंकि इस तरफ जो है प्लस की वैल्यू ज्यादा है, ये 125 बन रहा है तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, उस तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगी, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, काफी क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब क्यू स्केयर माइनस एक्स क्यूब पी टी प्लस 4x स्केयर पी टी माइनस 4x स्केयर क्यू स्केयर प्लस 3x स्केयर क्यू स्केयर माइनस 3x पी टी,
इज डिविजिबल बाय, ये हमने शो करना है कि किससे डिविजिबल होगा। चलिए देख लेते हैं, एक्स क्यूब के स्केयर क्यू स्केयर, ये वाला जो है एक्स क्यूब इसमें है और इसमें भी है। चलिए एक्स क्यूब मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब अगर कॉमन होगा तो अंदर आ जाएगा क्यू स्केयर माइनस पी टी। ठीक है, अब यहां पर फोर एक्स स्केयर दोनों में कॉमन है, तो मैं प्लस फोर एक्स स्केयर कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर आ जाएगा आपके पास क्यू स्केयर माइनस पी टी, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा बाहर कॉमन, क्योंकि यहां पर पीटी के साथ जो है वो प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया, क्यू के साथ जो है वो माइनस था, मैंने प्लस लगा दिया, तो साइन चेंज किया, माइनस जो है कॉमन आ गया। उसके बाद इन दोनों में क्या है, इन दोनों में भी आपके पास थ्री एक्स कॉमन है, तो प्लस थ्री एक्स अंदर आ जाएगा क्यू स्केयर माइनस पी टी। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। अब यहां से अगर हम सभी में देखेंगे तो क्यू स्केयर माइनस पी टी तीनों में कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यू स्केयर माइनस पी टी अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस लास्ट है थ्री एक्स, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से भी कॉमन है क्योंकि ये सभी में, तो ये बन जाएगा, और ये जो बाकी रहेगा वो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये बन जाएगा। अब एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स के फैक्टर बना के देख लेते हैं, तो ये बन जाएंगे आपके पास, यहां से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो सिंपली जो है फैक्टर बनाने यहां पर कॉमन लेकर नहीं बनेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से क्योंकि स्केयर के बनते हैं तो कॉमन लेकर देख लेते हैं। एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा क्यू स्केयर माइनस पी टी, एक फैक्टर आ गया, दूसरा ले लिया एक्स अंदर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे, सम आ जाएगा यहां पर माइनस का फोर और प्रोडक्ट आ जाएगा थ्री, तो ये बन जाएंगे टू फोर इंटू वन, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट में आ जाएगा थ्री इंटू वन और माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, तो एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस थ्री और ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री तो माइनस का वन, तो इसका मतलब फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन। अब फैक्टर में क्यू स्क्वायर माइनस पी टी आ गया, एक्स आ गया और एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन आ गया, यानी कि ये कुछ चार जो है ये फैक्टर बनेंगे, तो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन फैक्टर है, एक्स माइनस वन भी है, एक्स माइनस थ्री भी है, यानी कि बोथ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री जो है वो दोनों ही फैक्टर हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉमन लेना था आपने, डायरेक्टली कॉमन लिया और वहां से आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, वीडियो को आप देखते जाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, साथ में कॉपी पेन लीजिए, साथ साथ में जैसे हम स्टेप्स कर रहे हैं आप करके देखिए, तभी ये होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसके फॉर्मूले में आपके पास इस तरह से होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक और ब्रैकेट होती है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, जीरो। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, इफ एक्स प्लस के इज कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन व्हाट इज के इक्वल टू। देखिए एक्स प्लस के अगर कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स कितना आ जाएगा माइनस के, तो जब माइनस के पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, तो करके देख लेते हैं, इस वाले की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, तो के पुट करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस के प्लस बी इज इक्वल टू, इस वाले की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं क्योंकि दोनों की जीरो है तो दोनों की इक्वेट कर सकते हैं, के का माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी इंटू माइनस के प्लस डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ए के प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी के प्लस डी। ठीक है, क्योंकि के स्क्वायर से के स्क्वायर तो कट हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं माइनस सी के इस तरफ ले लेता हूं तो माइनस ए के प्लस सी के इज इक्वल टू डी माइनस बी, तो यहां से के कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस बी, तो के कितना आ जाएगा डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, तो ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वेट करना था आपने क्योंकि कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है जब भी आप ये वैल्यू पुट करोगे इसकी तो जीरो आएगा, तो इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स रेस्ट टू आवर 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 125 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से डिवाइड करना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स आ जाएगा आपका माइनस 5। माइनस 5 यहाँ पे पुट करके देखिए, जो भी आंसर आता है तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जो 13 क्वेश्चन है वो फिर से कॉम्प्लिकेटेड आ गया, यानी कि लेंथी क्वेश्चन है। तो आपने ये तभी करना है अगर आपको लगता है कि आप इजीली इस चीज को कर सकते हो, या फिर आप लास्ट में इस क्वेश्चन को कीजिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है, अगर तो सभी का एलसीएम इकट्ठा लेंगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट टू का एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो माइनस है यहां पर 2b अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 4b क्यूब अपॉन a रेस्ट पावर 4 प्लस b रेस्ट पावर 4 माइनस 8b 7 अपॉन a रेस्ट पावर 8 माइनस b रेस्ट पावर 8। देखिए a माइनस ए कट हो जाएगा b प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा 2b अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। तो वो क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहां पर है माइनस 2b अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आगे वाली टर्म वैसे ही रहने देते हैं, फिर से इनका एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसी तरह से बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ऊपर वाली टर्म क्या आएगी, 2b इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2b इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको लिख सकते हैं 2b ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2b ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहां से अगर देखेंगे 2b इंटू ए स्केयर 2b इंटू ए स्केयर, ये वाली टर्म कट हो जाएगी, आपके पास रह जाएगा 2b क्यूब प्लस 2b क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 4b क्यूब। तो कंटिन्यू करेंगे इस स्टेप को, आपके पास आ जाएगा यहां पर 4b क्यूब अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर। तो ए स्केयर पहले स्केयर है तो ए रेस्ट बार 4 बनेगा माइनस बी रेस्ट बार 4 बनेगा होल स्केयर, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है तो ए का स्केयर बनेगा, ए स्केयर पहले से स्केयर है तो इसका और स्केयर करेंगे ए रेस्ट बार 4 बनेगा और ये बी रेस्ट बार 4 बनेगा। और आगे वाले टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे यहां पर तो माइनस 4b क्यूब अपॉन ए रेस्ट बार 4 प्लस बी रेस्ट बार 4। तो इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो लास्ट में आपके पास बन जाएगा, ये एक स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, ये बनेगा 8b रेस्ट पावर 7। सॉरी यहाँ पे 7 जो है कंफर्म कर लेते हैं कि 7 है या नहीं है, ठीक है 7 ही है। तो ये बन जाएगा आपके पास 8b रेस्ट पावर 7 अपॉन a रेस्ट पावर 8 प्लस b रेस्ट पावर 8, ये आ जाएगा आपके पास लास्ट में। और उस तरफ आपके पास सेम यही है, माइनस 8b रेस्ट पावर 7 अपॉन a रेस्ट पावर 8, सॉरी यहां पे माइनस आता है हर बार, माइनस b रेस्ट पावर 8। तो सेम टर्म को सेम टर्म से माइनस करेंगे क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो लास्ट आंसर आपका जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपने 2 2 का एलसीएम लेते जाना है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व करके देखिए, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू वन वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, और ए एक्स बी वाई जो है वो वन है। अब यहां से इस इक्वेशन से ए एक्स प्लस बी वाई क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस टू उस तरफ जाकर प्लस टू, ठीक है। अब इनका स्केयर करेंगे तो स्केयर क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इनका स्केयर कर दूं तो स्केयर बन जाएगा ए स्केयर, यानी कि ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर प्लस 2axby इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, स्केयर किया है टोटल। अब आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर पूरा का पूरा इसी तरह से है, यानी कि ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर 2axby
एक्स बी वाई वन है तो टू इंटू वन वन, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर से आ जाएगा टू, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि ए और बी जो है वो जीरो तो नहीं है, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, तो कंडीशन यही बन रही है कि वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। इसका मतलब है ए स्केयर एक्स स्केयर की वैल्यू भी वन है, बी स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू भी वन है। तो यहां से देख लेते हैं, ए स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन, तो वहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसी एक की। अब ए स्केयर एक्स स्केयर वन है तो स्केयर उस तरफ जाएगा, अंडर रूट बनेगा, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू वन, उसी तरह से बी वाई इज इक्वल टू वन। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की, एक्स आ जाएगा वन अपॉन ए, वाई आ जाएगा वन अपॉन बी। अब जो पूछा हुआ है उसमें पुट करेंगे, आपसे पूछा है ए स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर वाई, तो ए स्केयर इंटू एक्स की जगह वन अपॉन ए प्लस बी स्केयर इंटू वाई की जगह वन अपॉन बी, बी से स्केयर कट हो जाएगा, ए से स्केयर कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए माइनस बी माइनस सी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ थ्री ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, उसके फैक्टर में क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी पहले तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एक और टर्म होगी, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसका फॉर्मूला यही होता है, पहला फैक्टर यही बनता है। सेम कंडीशन दूसरे में भी वही बन रहा है, अगर आप वन को ए मान लेते हो, बी बी ही है, सी सी ही है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, उसमें भी ये एक फैक्टर तो आएगा ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी वाला, तो ये दोनों ही करेक्ट है, बोथ वन एंड टू जो है वो ट्रू है। ये आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको लास्ट टाइम करवाए हुए इंट्रोडक्शन में, वहीं से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपने चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब मुझे स्किप करने चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आप करके देख सकते हो। करना क्या है, अगर एक्स प्लस वन जो है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू पुट करोगे इसमें, अगर जीरो आ गया तो डिविजिबल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, माइनस टू पुट करके देखोगे, माइनस थ्री पुट करोगे, अगर सभी में जीरो आ रहा है तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, अगर जो है किसी एक में आ रहा है तो कोई एक ही होगा। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है डी ही आएगा, तीनों जो है इसके फैक्टर बनेंगे, तो आप चेक करके देखिए कि आ रहा है जीरो या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस थ्री ए, सो दैट द सम मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं यहां पे कि एक्स इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस थ्री ए, देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, पहले एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स रेस्ट पावर फोर बनेगा ये, उसी तरह से एक्स क्यूब में भी टर्म्स आएंगी, तो टोटल जो टर्म्स आएगी उनमें आपको देखना है कि स्केयर की फॉर्म में कौन कौन है, ठीक है, जो भी स्केयर की फॉर्म में है, जैसे अगर हम बात करेंगे एक्स स्केयर अगर फोर टाइम है तो फोर का भी, फोर जो है वो टू का स्केयर होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये पहले से ही परफेक्ट स्केयर है। उसी तरह से अगर क्यूब वाली भी कुछ इसी फॉर्म में आ रही है, स्केयर वाली भी कुछ इसी फॉर्म में आ रही है, लेकिन इसमें जो कमी रहेगी वो रहेगी ए क्यूब, ए वाले की, ए जो है वो टोटल जो है स्केयर में नहीं बनेंगे, तो अगर उसमें आप लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ए रेस्ट पावर फोर आप एड करेंगे, ए रेस्ट पावर फोर को एड करेंगे तब वो परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। तो इसमें क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, एक्स इंटू एक्स फिर एक्स इंटू ए फिर जो भी आएगा उनसे ये दोनों, फिर जो भी आएगा उनसे ये दोनों करेंगे, फिर जाकर ये टर्म्स जो है निकलेंगी, तो इनको आप सॉल्व करके देखिए, लास्ट में सिर्फ ए रेस्ट पावर फोर की ही कमी रहेगी उनमें, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद है थ्री एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, थ्री जो है इसको हमने देखना है थ्री एक्स प्लस टू से डिवाइड करके, तो थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, थ्री एक्स कितना आएगा माइनस टू, तो एक्स कितना आएगा माइनस टू बाई थ्री, ये वैल्यू पुट करके देखिए इस एक्सप्रेशन में, जो भी आंसर आएगा आपका, जरूरी नहीं है जीरो ही आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो आप इसको पुट करके देखिए कि आपके पास जो आंसर है वो 185/27 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपने निकाल कर देखना है। एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस आप ये वैल्यू पुट करके देखिए, आंसर ये आना चाहिए आपका। उसके बाद है आपके पास द एक्सप्रेशन टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, एक्स प्लस टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू, माइनस टू पुट करके देखिए, अगर जीरो आ रहा है तो है डिविजिबल, नहीं आ रहा है तो नहीं है, एक्स माइनस टू है तो
एक्स कितना आ जाएगा, प्लस टू। तो ये तब होगा अगर टू पुट करने से जीरो बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्स प्लस वन, तो माइनस वन बाई टू, और टू एक्स माइनस वन यानी कि वन बाई टू। ये वैल्यूज बनेंगी, इन वैल्यूज को पुट करके देखिए, तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए टू एक्स प्लस वन वाला, यानी कि माइनस वन बाई टू पर ये जीरो बनना चाहिए। तो आप इसको चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम नहीं स्किप करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 17/4, देन व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ये जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 17/4 है, आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो ये नहीं है कि इन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने सिर्फ फॉर्मूले को सॉल्व करना है, फॉर्मूला सॉल्व करके ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, यानी कि आपको अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कहीं से मिल जाती है तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो चलिए एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्केयर क्या होता है, क्योंकि यहाँ स्केयर वाली वैल्यू दी हुई है। एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्केयर होता है ए माइनस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। तो टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स इंटू वन बाई एक्स कट हो जाएगा, माइनस टू ही रहेगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स का स्केयर क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स, इस पूरे की वैल्यू है 17/4 माइनस टू, यानी कि ये बन जाएगी 4 × 2 = 8, तो 9/4। तो x माइनस वन बाई एक्स क्या आएगा, स्केयर उस तरफ अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 9/4 क्या बनेगा, 3/2। ये वैल्यू हमें चाहिए थी, ये वैल्यू हमें मिल गई, बस अब हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो ये किस में आएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, क्यूब में आएगा ये। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 × a² b, एक्स स्क्र इंटू वन बाई एक्स प्लस 3 × a² b का स्केयर, यानी कि x इंटू एक्स बाई वन बाई एक्स का स्केयर। x से ये कट हो जाएगा, x से स्केयर कट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा x माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स कितना होता है, ये हमने निकाला हुआ है 3/2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, और यहां पर अगर मैं माइनस 3 कॉमन लेता हूं अंदर रहेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी 3 का स्केयर बन जाएगा 27/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 × x माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स 3/x, तो 9/2। 9/2 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 27/8 प्लस 9/2, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 63/8। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर बाई चांस यहाँ पे प्लस पूछा होता, ठीक है, माइनस की जगह अगर ये प्लस होता, तो आपने एक्स माइनस वन बाई एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना था, यहाँ पर एक्स प्लस वन की ही वैल्यू आती, तो वो आपने यहाँ पुट कर लेनी थी। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब एंड दिस, और एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। आप बिल्कुल सॉल्व करके देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हुए हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर आपके पास ये आएगा, क्योंकि ये फैक्टर नहीं बनने चाहिए आपके पास। तो सॉल्व करके देख लीजिए कि फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो फिलहाल ये नहीं बनने चाहिए, तो अगर आपके नहीं बन रहे हैं इसका मतलब है आप करेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इंटू है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब अपॉन एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र की, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो फाइंड करके देख लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² इंटू 3xy², ठीक है, a माइनस बी का ये फॉर्मूला है, क्यूब का फॉर्मूला, अपॉन में है x² y माइनस xy का स्केयर। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो ये हम लिख सकते हैं x³, और x² इंटू माइनस वाई माइनस x² y, y² इंटू एक्स प्लस y² x
वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का वाई क्यूब, और माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस का वाई क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 3x² y, और ये माइनस प्लस माइनस 3xy² अपॉन में है आपके पास x² माइनस xy² देखिए x क्यूब से x क्यूब कट हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब ये भी कट हो जाएगा। अब है आपके पास x² y माइनस का 3x² y प्लस का, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x² y, तो ये वाले भी खत्म हो गए, और अब रह गए y² x माइनस 3xy², तो ये रह जाएगा आपके पास माइनस का 2xy² अपॉन है x² माइनस xy² x² के साथ सॉरी y भी है, तो x² y। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब ये पूरा कट हो जाएगा, 2 कॉमन है वो आपका बाहर रह जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको कहा था जब भी वो फॉर्मूले थे कि वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन दिस हैज अ फैक्टर एक्स प्लस 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। एक्स प्लस 5 को 0 पुट कीजिए, एक्स कितना आएगा माइनस 5। ठीक है, माइनस 5 वैल्यू पुट करके इसमें आप अगर माइनस 5 वैल्यू पुट करोगे, माइनस 5 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू माइनस 5 प्लस के इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। इक्वेट कीजिए, आंसर आना चाहिए आपका, और अगर आंसर आपका आ जाता है 70 तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी विच मस्ट बी एडेड टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू ऑब्टेन एक्स क्यूब। देखिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इनमें ताकि हमें एक्स क्यूब जो है वो मिल जाए। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक्स क्यूब हमें कैसे मिलेगा कि ये, तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स क्यूब। तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब ये घटाना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पास क्या वैल्यू आएगी। नहीं सॉरी, हमने एक्स क्यूब यहां पर फाइंड करना है, तो एक्स क्यूब कैसे आएगा, ये वाला है एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब कैसे बनेगा, अगर इसमें मैं 2x³ जो है वो प्लस कर दूं तभी एक्स क्यूब आएगा, यानी कि एक तो 2x³ की जरूरत है हमें। उसके बाद ये माइनस एक्स कैसे जाएगा अगर मैं इसमें प्लस एक्स कर दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला कैसे जाएगा अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, प्लस वन जो है वो कैसे माइनस होगा अगर मैं माइनस वन कर दूं। तो ये टर्म आपको जहां भी मिल रही है बस वो माइनस कर दीजिए, तो 2x³ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन, सी ऑप्शन में है आपके पास। ठीक है, आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी, सिर्फ एक्स क्यूब रखना है, तो माइनस का एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कैसे आएगा 2x³ ऐड करके। तो आपने देखा कि जो जो एलिमिनेट करने हैं वो एलिमिनेट कर दिए, जो भी टर्म बन रही है वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37x, देन व्हाट इज द एक्स इक्वल टू। देखिए सॉल्व कीजिए इनको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो 49 प्लस 25 तो ये आपके पास नॉर्मली आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ऐड करके आ जाएगा ये 9 5 4 4 2 6 74। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 25 में 24 ऐड करने पड़ेंगे, और 37 जो है इज इक्वल टू 37x है, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x कितना आएगा 74 इंटू 24 अपॉन 37, तो 74 होते हैं, 24 इंटू 2 48। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 49 का स्केयर निकालो वो लिखो, 25 का स्केयर निकालो वो लिखो, माइनस करो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो फॉर्मूले जो है जब आपने याद किए हुए हैं तो उनका यूज कीजिए, जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दिस कंटेन एक्स माइनस वन एज अ फैक्टर। एक्स माइनस वन फैक्टर है तो एक्स कितना आ जाएगा 1, 1 पुट कीजिए, के की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी कि पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, वहां से के आप निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू आपके पास यहां पर आनी चाहिए, तो यहां पर अगर आपके पास के की वैल्यू आ जाती है 1 और 1/3, क्योंकि के स्केयर में है तो 2 वैल्यूज आएंगी, स्केयर जब भी आपका रूट बनता है तो 2 वैल्यूज आती है, तो 2 वैल्यूज 1 और 3 आनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई स्केयर माइनस जेड के जेड स्केयर प्लस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस जेड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज डिविजिबल बाई वाई माइनस जेड ओनली,
जेड माइनस एक्स। तो यहां पर फिर से आपके पास कंडीशन है कि आपको देखना है कौन कौन से इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इस पूरे को अगर हम यहां पर टोटल को देखें तो वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर है, जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाई माइनस जेड तब फैक्टर होगा अगर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, वाई कितना आएगा जेड। तो अगर जेड पुट करने पर जहां जहां वाई है वाई की जगह जेड पुट कीजिए, अगर जीरो आता है तो ये फैक्टर है। जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जेड कितना बनेगा एक्स, जेड की जगह एक्स पुट कीजिए तब भी अगर जीरो बनता है तब ये भी फैक्टर है। तो यहाँ पे ये दोनों ही फैक्टर बनेंगे, आप इनको सॉल्व करके देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस फाइव इज फैक्टर। तो बहुत क्वेश्चन हो गए इस तरह के, तो ये भी आप सॉल्व करके देखिए, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आंसर यहाँ रहेगा आपका 32। आंसर मैं बता देता हूँ, वीडियो को जहां जहां मैं स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब है क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। 29 है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन हो गया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स कर लीजिए माइनस टू, ठीक है माइनस टू पुट करके देखिए, अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो फिर नहीं है वो फैक्टर। तो इसी तरह से सभी को देख सकते हैं आप, हो सकता है आप फर्स्ट वाला ट्राई करो, जो भी आप डी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ए ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, बी, जो भी आपने सबसे पहले ट्राई किया वही फैक्टर हो, तो फिलहाल जो है वो डी ऑप्शन इसका फैक्टर है। जरूरी नहीं है आपने ए बी सी सीरियल वाइज ही पुट करने होते हैं, कोई भी आप उठाकर पुट कर सकते हो। उसके बाद है ए प्लस वन रेस्ट पावर 4 माइनस ए रेस्ट पावर 4 इज डिविजिबल बाई, कि ये किससे डिविजिबल होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अजीब लग रहा है देखने में, क्योंकि यहां पर 4 आ गया, ए प्लस वन रेस्ट पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैंने इसको लिखना है यहां पर हम डायरेक्टली करेंगे, ए प्लस वन का रेस्ट पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ए प्लस वन को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर मैं इसको लिखूं 2a+1 माइनस ए, 2a+1 माइनस ए, क्योंकि 2a+1 माइनस ए तो 2a माइनस ए ए ही रहेगा, a प्लस वन बन जाएगा। तो इसका अगर मैं स्केयर कर दूं और इनटू 2a+1 और प्लस कर दूं यहां पर a, तो फिर डायरेक्टली यहां पर फिर हमारे पास आंसर नहीं बन रहा है, तो डायरेक्टली इसको हम पूरे को लिख लेते हैं। इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस वन का स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू ए प्लस वन का स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है ऐसे अगर लिखेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है पूरे के पूरे a की वैल्यू कितनी है, a प्लस वन का स्केयर। तो इसका जब स्केयर करेंगे तो a प्लस वन का 4 बन जाएगा, और इसका जब स्केयर बनेंगे a रेस्ट बार 4 बन जाएगा, ठीक है सिंपल सी वैल्यू है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए प्लस वन का रेस्ट बार 4 माइनस ए रेस्ट बार 4, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस वन का स्केयर माइनस ए स्केयर, इस पूरे को मैं पढ़ूंगा ए माइनस बी और इसको पढ़ूंगा ए प्लस बी, और इनको अगर सॉल्व करेंगे यही बनेगा, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस वाले को ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको फिर से लिख सकते हैं ए प्लस वन प्लस ए और ए प्लस वन माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं, और ए प्लस वन का स्केयर ए स्केयर प्लस वन स्केयर प्लस 2a+a2। तो ये वाला क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a2+2a+1, यानी कि एक फैक्टर तो यही बन जाएगा 2a2+2a+1। तो डी ऑप्शन में यही है, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब हमने सॉल्व किया हमारे पास फैक्टर आ गया। जो भी फैक्टर होता है वो चाहे वो स्टार्टिंग में ही बन जाए, आपने अलग से एक फैक्टर बनाना होता है। उसके बाद है फैक्टर ऑफ दिस इज ओनली 5+2r px-2qy। तो सिंपली फिर से आपने इनको जीरो पुट करना है, तो जो भी r की वैल्यू आएगी या फिर p की वैल्यू आएगी उनको यहाँ पुट करते जाइए, तो जो भी आंसर आ रहा है वो आपका बन जाएगा। तो फिलहाल जो है इसमें आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा सी, दोनों ये फैक्टर बनेंगे। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 4x + p कंटेन एक्स प्लस, यहां पर थोड़ा सा कटेंगे तो एक्स प्लस 6 आएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक्स प्लस 6, ये एक्स प्लस 6 जो है वो फैक्टर है, तो p की क्या वैल्यू आएगी।
तो पी की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो आपके पास आंसर आना चाहिए इसमें 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 725 इंटू 725 इंटू 725 प्लस 371 प्लस 371 प्लस 371। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्टली, ए क्यूब ठीक है प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्केयर, यही बनेगा ये ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये बन जाएगा ये अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं। तो चलिए देखते हैं फिलहाल हमारे पास ये क्या बनेगा। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली लाइन लिख सकता हूं, अपॉन में क्या है, अपॉन में है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो इससे ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है लास्ट टाइम, और इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा अपॉन में ये वाली टर्म है, तो इससे ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर हम इन दोनों को 725 और 371 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1096। ठीक है, 371 और 725 को ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 1096। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया है फिलहाल। तो आई थिंक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में सॉल्व करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है उनको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में हम इतने ही सॉल्व करेंगे। अब 2010 1 और 2 2012 11 और 12 के 1 एंड 2 1 एंड 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हाफ ही अभी लगभग जो है वो कंप्लीट हुआ है, अभी नियर अबाउट इतने ही क्वेश्चन हमारे और हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में ये कंप्लीट करने काफी मुश्किल हो चुके हैं, काफी इरिटेटिंग लग रहा है अगर और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इतने क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।